अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड गोलीमार में। ओल्ड गोलीमार का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, पहले यहाँ पर क्या थी, कोई जंगल था या आबादी थी, किस तरह की आबादी थी, किस तरह का जंगल था, किस तरह के रोड थे, घर थे, क्या था यहाँ पर। ओल्ड गोलीमार का नाम क्यों पड़ा, जिसको कहते हैं पुराना गोलीमार, पुराना गोलीमार का नाम क्यों पड़ा, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री सुनाएंगे। आपका नाम हसन, हसन साहब जो है ना हमें पूरी हिस्ट्री सुनाएंगे कि गोलीमार का नाम क्यों पड़ा। चले सुनते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे वालिद वगैरह सोजर बाजार में रहते थे, पाकिस्तान बनने से 20 साल पहले इस इलाके में आया, वहाँ उनको यानी उठाया गया के लीज पर बैठो, वो आकर इधर बैठ गए। और ये लाइब्रेरी है अब्दुल लतीफ़ शाह बिटाई लाइब्रेरी, रेंजरस का क्वार्टर, इस यहाँ से लेके नदी तक कब्रिस्तान थे, आई समझ में, ये पूरा इलाका कब्रिस्तान थे। पुराना गोलीमार क्यों पड़ा, हमारे लोग यहाँ आए, यहाँ प्रैक्टिस फौजियों का प्रैक्टिस का जगह था। क्या, किस चीज़ की प्रैक्टिस? गोलियाँ चलाते थे, गोलियाँ चलती थी पहले, गोलियाँ फौजी प्रैक्टिस करते थे, फौजी। ये ब्रिटिश की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी फौजी? ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ मैं, क्या बोला, 20 साल पहले, पाकिस्तान बनने से 20 साल पहले। अच्छा। उस दौर की बात कर रहा हूँ, हमारा वालिद चाचा वगैरह कहते थे, उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ, आई समझ में। अच्छा, फिर फौजियों ने इतराज किया, अल्लाह बख्श सरदार अल्लाह बख्श गबोल उस जमाने में मेहर था, उसने बोला भाई ये मेरे आदमी हैं, वो अपना चांदमारी नदी के उस तरफ ले जा, नदी के उस तरफ ले जा, चांदमारी नज़दीक के उस तरफ गए, उसको बोलते नया गोलीमार, इस तरफ पुराना गोलीमार, हाँ, वो अक्सर उस तरफ ये कब्रिस्तान थे। ये जो गटर बगीचा है, तीन भाई थे मुराद खान, शेर अली खान, हाशम खान, गटर बगीचा अंग्रेज़ों ने शेर अली को दे दिया, ये तीनों भाई अफगान गद्दार थे, अंग्रेज़ों का एजेंट थे, ये गटर बगीचा उसको दिया गया शेर अली खान को, हाशम खान को जो गार्डन के सामने गैरेज वगैरह है, गार्डन के मगरब के तरफ उधर हाशम खान बाग, हाशम खान को दिया गया, बंद मुराद खान, मुराद खान को दिया गया, क्या ओ ये जो ये गेरोन है, ये इलाका गटर बगीचा का इलाका था, और अमरूदें ज़्यादा थे, इस तरफ खोपरा थे, और ये बड़ा यानी आबादी वाला यानी अच्छा खासा बगीचा थे, के हमारे दौर में KMC का था, उस ज़माने में शेर अली खान का था। आप क्या पूछना चाहते हो? ये पूछना चाह रहा था कि ये सारा जंगल ही था सारा, जब आप ये बगीचा था हमारे दौर में, 65 तक गीदड़ों की आवाज़ें आते थे, गीदड़ से बड़ा गीदड़ थे, वो जंगली बिल्ली थे, भेड़िया थे इस गटर बगीचे में, क्योंकि जंगल थे, अमरूदों का जंगल, कोपरों कोपा, और
और ये पीछे जो आबादी बनी हुई है गोलीमार की, ये आबादी थी या ज्यादा नहीं थी या कम थी, कैसी थी? नहीं, चंद घरें थे, हमारे दौर में चंद घरें थे। अच्छा, तो चंद घर थे, तो इसका नाम गोलीमार इसलिए रखा गया के फौजी प्रैक्टिस करते थे, गोली चलाते थे। गोलीमार का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर जो ब्रिटिश फौज थी वो इस एरिया के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते थे, यानी कि फायरिंग की प्रैक्टिस करते थे। तो फायरिंग की प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना, वो जब यहाँ से चले गए तो इसका नाम पड़ गया गोलीमार, ठीक है। और ये पड़ एक पुराना गोलीमार है, वो नया गोलीमार जो है ना वो दूसरा है। तो उस बारे में कुछ पता है? उस बारे में ये चांदमारी उठकर उस तरफ चले गया नदी के, क्या बीच में नदी है उस तरफ नया गोलीमार, नदी के इस तरफ पुराना गोलीमार। नया गोलीमार इसलिए कहा जाता है कि सरदार अल्लाह बख्श गबोल ने बोला, ये बलोच हमारे बंदे हैं, अपना ये चांदमारी नदी के उस तरफ ले जा, इसलिए जो नया बन गया, नया बन गया पुराना गोलीमार है। ये पुराना गोलीमार है और वो नया गोलीमार है। ये पुराना जो गोलीमार है ना दोस्तों, भी मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश फौज पाकिस्तान बनने से 20 साल पे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मारा हूँ 72 साल है। आपने अपनी आंखों से देखा हुआ कुछ? नहीं देखा ये चीज। अच्छा, हम इधर ही पैदा हुआ। अच्छा, ये पहले का पहले की बात है, लेकिन याद है आपको सब कुछ? हमारा बुजुर्गों ने कहा ऐसे ही। अच्छा, तो आपके यानी कि हाँ सही है बात है, जैसे होता है ना कोई बाप अपने बेटे को बता रहा था कि बेटा पहले यहाँ थे, ये था ये था, उस वक्त आपके जहन में सारा बैठा हुआ कि ये इस तरह था, इस वजह से ये नाम पड़ा। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अभी आपने ये सुना कि गोलीमार का नाम क्यों पड़ा। दोस्तों आपने देखा कि ये इलाके का नाम जो है ना गोलीमार क्यों पड़ा। ये पीछे बैक साइड पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना, जो नया गोलीमार है वो वहाँ के सारे रिहायशी जो पाकिस्तान क्वार्टर के थे वो सारे यहाँ पे रिहायश हो गए थे। तो उस वजह से यहाँ ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, जब ब्रिटिश फौज जो है ना यहाँ पर, ये इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है ना फायरिंग रेंज हुआ करती थी इस जगह पर पूरी पट्टी पे। तो फायरिंग रेंज का जो है ना यहाँ पे इलाका था इनका, जो अपनी प्रैक्टिस करते थे फायरिंग की। तो बैक साइड पे आपके बलोच रहते हैं सारे, तो ये सारा इलाका जो है ना, ये इस वजह से इसका नाम जो है ना गोलीमार इस वजह से पड़ा कि यहाँ पर ब्रिटिश फौज जो पाकिस्तान बनने से 20 साल पहले जो है ना, यानी कि पाकिस्तान बनने से 20 साल पहले जो है यहाँ प्रैक्टिस करती थी फौज, इसका नाम इसलिए जो है ना गोलीमार पड़ा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह की स्टोरी के लिए अगर आपको जो है ना और स्टोरी बनवानी है तो आप मुझे जो है ना फ़ोन कर सकते हैं कि अपने इलाके का जो है ना किसी बुज़ुर्ग से जो है ना पूरी स्टोरी हम लोग जो है ना उनकी वीडियो चलाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे सवालात करेंगे। तो इस तरह की वीडियो अगर आपने बनवानी है तो मेरे फ़ोन पे जो है ना आप रब्ता कर सकते हैं इनबॉक्स के अंदर, वो जहां भी मेरा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा किसी भी जगह पे, यानी कि ये अबाउट के अंदर आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा और आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। फिर हम आप वहाँ पे आकर आपकी यानी कि स्टोरी जो इलाके की होगी वो बनाएंगे। फिर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।